बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको सेल टारगेट इंक्रीज़ करना बताऊंगा कि एम्प्लॉय का जो टारगेट होगा उसको हम एक फंक्शन गोल सीक के थ्रू पढ़ेंगे कि आप अपने टारगेट को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है सेल योर प्रोजेक्ट इन सिटी, इंक्रीज योर टारगेट। यानी आपका जो टारगेट होगा वो अगर आप सिटी वाइज सेल करें और ये हमें अंदाज़ा हो जाए कि आप किस सिटी में कितनी सेल कर रहे हैं, और अगर आपका एक टारगेट आपके पास मौजूद हो कि आपने इतना अचीव करना है टारगेट, तो आपकी कितनी एरिया में सेल होनी चाहिए, तो उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन एक्सेल पे गोल सीक फंक्शन के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डाटा बनाएंगे जो हमें डाटा रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इन सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ, और यहाँ पर पहला काम मैं करूँगा यहाँ पर कॉस्ट, या रेड कर दी मैंने कॉस्ट, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, और इसी के साथ नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं राइट करूँगा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के बाद फिर हम यहाँ पर राइट करेंगे कॉस्ट, फिर हम लिखेंगे यहाँ परसेंट, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर राइट करेंगे टारगेट। तो ये हेडिंग्स हमारे पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट होगी और उन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी कितनी होगी, और परसेंटेज वाइज अगर डिवाइड कर रहे हैं हम और कितना टारगेट बन रहा है परसेंटेज के लिहाज से जितनी आपकी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की। तो इसके लिए पहला काम जो हम यहाँ पर राइट करेंगे प्रोडक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर राइट कर लिए प्रोडक्ट ए, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर राइट कर लिया सेकंड प्रोडक्ट बी, राइट कर लिए मैंने यहाँ पर, और अब यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ प्रोडक्ट हमारी जो होगी प्रोडक्ट सी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट डी, और उसके बाद हम यहाँ पर राइट कर लेंगे प्रोडक्ट ई। तो जितनी आपकी प्रोडक्ट होगी तो आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की नेम लिखना चाहे नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट इस तरीके से मैं राइट कर लिए। तो फर्स्ट जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसकी जो प्राइस है जैसे 500 है, और सेकेंड प्रोडक्ट की प्राइस 600 है, इसकी 200 है, और इसकी 900 है, और लास्ट वाली की 700 है। अब परसेंटेज, जैसे हमने कहा कि 20% यानी कि आपका टारगेट होना चाहिए, इसका 30% होना चाहिए, तो इसके साथ हम यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल बना लेते हैं 30%, और फिर हम यहाँ पर राइट करते हैं 10%, और उसके बाद फिर हम नीचे आ जाते हैं और इसको हम टारगेट देते हैं 5%, और लास्ट वाले को हम दे देते हैं 15%। अब यहाँ टारगेट अचीव कैसे करना है, जैसे प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट इतनी है 20% के लिहाज से कितना बनेगा, तो पहले तो हम यहाँ इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद आपकी जो कॉस्ट होगी आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है आपने परसेंटेज से, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा डिवाइड करके निकाल के देगा। एंटर करेंगे तो देखें इसने मुझे बता दिया है कि आपका टारगेट यानी मैक्सिमम या मिनिमम आपका 100 तक होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ डिटेल बताता हूँ कि ये इसने कैसे सॉल्व किया है। जैसे हम मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देता हूँ, अगर इनको नहीं मालूम है उनके लिए यहाँ पर उनको समझ में आ जाएगी। जैसे 500 है तो इसने क्या काम किया, इसने मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो 20 से, और परसेंट का साइन मैंने इसलिए बनाया ताकि ये ऑटोमेटिकली ये स्टेप डायरेक्ट कर ले डिवाइडेड बाय 100, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 100, तो ये डायरेक्टली सॉल्व कर रहा है। एंटर करेंगे तो देखिए तब भी आंसर आपके पास सेम ही आ रहा है आंसर। तो अब मैं क्या काम करूंगा, इस फॉर्मूले को कर लूंगा ड्रैग। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा इससे मुझे तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे या वन एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना है तो उससे मालूम हो जाएगा कि एम्प्लॉयज़ की किस सिटी के अंदर और कितनी सेल होनी चाहिए, या एरिया वाइज हो या सिटी वाइज हो, जितनी भी आपको सेल करनी है। तो यहाँ आ गया फर्स्ट प्रोडक्ट की 100 आपको सेल रखनी है, सेकेंड प्रोडक्ट की 180, थर्ड की 20, 45, 105। तो अब हम क्या काम करते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में एक सैंपल रेडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद यहाँ पर बना बना आपको मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर इसको कर लिया ऑल बॉर्डर, और इसको भी हम यहाँ पर
यही फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो बोल्ड आ गए यहाँ पर भी। अब इसके अंदर हमने क्या काम करना है, आपने इसी को सेलेक्ट करना है यहाँ से, और इसको सेलेक्ट करके आपने कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और यहाँ पर आपने इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लें, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ से मोर कलर्स में चला जाता हूँ, और जैसे कि मैं ऐसा कलर पिंक शेड में अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह आपने एक और कॉपी निकालनी है, इसको सेलेक्ट करना है कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ आपने इसको पेस्ट कर देना है। और अब आप चाहें इसका भी कलर चेंज करना चाहें, कलर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस वक्त कलर इसका चेंज कर लिया, तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, कंट्रोल बी के साथ बोल्ड कर देते हैं इनको भी। और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी के साथ बोल्ड, कंट्रोल बी के साथ बोल्ड, ताकि हेडिंग थोड़ी सी इस तरीके से प्रोमिनेंट होती हुई हमें इस तरीके नज़र आए। अब यहाँ मैंने 3 टाइम्स डेटा इसलिए बनाया है, और यहाँ पर हम गोल सीक फंक्शन से अगर हम काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपने यहाँ पर जो काम करना है, वो क्या काम करना होगा यहाँ पर, तो पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर हेडिंग डाली कॉस्ट के लिए, दूसरी हम यहाँ पर हेडिंग ऐड कर देंगे यहाँ पर परसेंटेज, तो यहाँ हम राइट करते हैं परसेंटेज, और ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज का सिंबल बना लेते हैं। और थर्ड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर देना चाहते हैं कॉस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, या परसेंटेज कोई भी हम बात करना चाहें, तो जैसे हम यहाँ पर टारगेट की बात करना चाहते हैं, जैसे टारगेट हमने यहाँ पर करना हो। अब यहाँ हमने फॉर्मूले के अंदर क्या काम करना है, पहले तो हम आते हैं इसमें कॉस्ट वाले फंक्शन के अंदर। अब इसमें देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपका टोटल है, जैसे हम टोटल निकाल लेते हैं, इसका ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, 450 का टोटल आ चुका है यहाँ पर, और इसके साथ भी ये काम कर लेते हैं हम, इसको भी प्लस करते हैं, और इसको भी हम यहाँ पर प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस कर दिए यहाँ पर, बोल्ड सबका आंसर आ गया सेम। अब पहले वाले सैंपल बॉक्स के अंदर हम क्या काम करेंगे, अगर आपकी जो कॉस्ट, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम इसको करते हैं डिलीट, अब हमें ये देखना है कि आपका जो टारगेट था पहला कितना था, 450 का टारगेट था। अब आप चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम सेल करें तो हमारा टारगेट से बढ़ जाए, यानी कि 600 हो या 800 हो या 1200 कितना भी हो, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, हम यहाँ से कॉस्ट को करते हैं डिलीट, और सेल को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से डाटा में जाएंगे तो हमारे पास फंक्शन आएगा व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक वाले फंक्शन को आपने यूज करना है। तो ये सेट सेल के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे उस वाले सेल को जिसमें आपका टोटल है, उसके बाद टू वैल्यूज, आपको कितनी वैल्यूज इंक्रीज करवानी है, यानी कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा कि जैसे कि मैंने 1200 टारगेट इसमें रखना है। अब आपकी कॉस्ट क्या होगी उस हिसाब से, तो आपने सेलेक्ट करना है बाई चेंजिंग सेल के अंदर कॉस्ट वाले सेल को, कि यानी कि आपको मालूम हो जाए कि आपकी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कि जिसका 5% आपके टारगेट को ले जाए वहां तक कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1200 बना दे। तो इसको हम करते ओके, तो देखें इसने हमें कैलकुलेट करके दे दिए कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस कम से कम इतनी होनी चाहिए, परसेंटेज आपका सेम रहेगा, आपका टारगेट बढ़ जाएगा 795, तो नेक्स्ट टाइम जो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा वो तकरीबन आपका 1200 तक पहुंच जाएगा। तो ये हमने कॉस्ट के थ्रू काम किया है, कि कॉस्ट के थ्रू आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप इसी तरह अगर आप यहाँ पर, चलिए हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, अब हम आते हैं अपने परसेंटेज के ऊपर। अब परसेंटेज के ऊपर आपने क्या काम करना है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी परसेंटेज को अगर हम सेट करते हैं, इसको मैंने डिलीट किया परसेंटेज को, सेल को सेलेक्ट किया, व्हाट इफ एनालिसिस पे चला गया, गोल सीक पे चला गया, सेट सेल के अंदर मैं सेलेक्ट करूंगा अपने टोटल को, और टारगेट आप चेंज करना चाहें कि चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं फिलहाल सेम रख लूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बाय चेंजिंग सेल के अंदर अब आप सिलेक्ट करेंगे अपने परसेंटेज वाले सेल को। अब हमें यह मालूम होगा कि आपकी कॉस्ट जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो इतनी है, तो परसेंटेज आपका कितना इंक्रीज होना चाहिए कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1200 तक पहुंच जाए। ओके करते हैं, तो देखिए कम से कम आपकी जो परसेंटेज जो आपको दी जा रही है वो 88% दी जा रही है, तो 795 आपका जो टारगेट हो जाएगा, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट वो तकरीबन 1200 तक पहुंच जाएगा। ये हमारा परसेंटेज के थ्रू था।
अब हम अगर तीसरे थर्ड की ऑप्शन की बात करते हैं टारगेट के हिसाब से, तो यहां से मैं फिलहाल इस टारगेट को डिलीट करता हूं। मैं सेम वैल्यूज को इसलिए ले रहा हूं यहां पर ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। सेलेक्ट करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे यहां पर। तो अब मैं सेलेक्ट करूंगा यहां पर सेट सेल के अंदर सेम आपके पास प्लस वाला सेल रहेगा यानी टोटल वाला, तो वैल्यू के अंदर आपके पास आ जाएगी 1200। बाय चेंजिंग सेल के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे टारगेट, अब आपका टारगेट कितना होना चाहिए। जैसे आपने ओके किया तो देखें आपकी कॉस्ट सेम, आपकी परसेंटेज सेम, आपका टारगेट अब आपका बढ़ चुका है कितना 795, यानी कि 1200 के अंदर आपका कितना 795 का टारगेट होना चाहिए, तो ही आपकी नेक्स्ट टारगेट की जो आपकी जो अचीवमेंट होगी, जो आपको इंक्रीज करना होगा, तो आपको वहां तक ले जाएगा। तो ये हमारे थ्री मेथड्स से जो मैंने आपको आज बताया है कि गोल सीक के फंक्शन के थ्रू आप अपने टारगेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कॉस्ट वाइज, परसेंटेज वाइज और टारगेट वाइज। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।